हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं पोकेमोन जी की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड 135 और 136 के बारे में, क्योंकि 136 जो काफी इंपॉर्टेंट एपिसोड बन चुका है, क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है और इसमें हमें पता लगेगा कि गो की जर्नी एस के कंटिन्यू होगी या एस को नए कंपेनियन मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज्यादा मायने रखता है गो की न्यू जर्नी के लिए। और एपिसोड 135 जिसके बारे में हम बहुत पहले बात कर सकते थे, लेकिन मेरे पास समय की कमी होने के कारण इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। 135 की समरी आ चुकी है जो कई सारे यूट्यूबर ने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। तो होप करता हूँ कोई वीडियो में मज़ा आए और कुछ नया जानने को मिले पोकेमोन जर्नी से रिलेटेड। और आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं कि गो को एस के साथ जाना चाहिए या नहीं। तो पहले एपिसोड 135 जिसका टाइटल है पोकेमोन आई एम ग्लैड आई गॉट टू मीट यू, जिसमें एस और गो दोनों मिल जाते हैं अपने अपने चैलेंजेस को पूरा करने के बाद। तब दोनों डिसाइड करते हैं सागुरुगी पार्क में कि हमें कोहारू के कैंपिंग में जाना चाहिए। उस कैंपिंग में ये सब एक दूसरे से बात करेंगे और बताएंगे एक दूसरे को उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज कैसी रही है पोकेमोन के साथ। लेकिन गो एस को नहीं बता पाएगा उसकी चाइल्डहुड मेमोरी कैसी रही है, क्या वो डरता था या क्या करता था ऐसा जिससे वो क्राई कर रहा है यहाँ पर, हमें नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन इतना पता लग चुका है कि गो का पास्ट म्यू के अलावा किसी और के साथ अच्छा नहीं बीता है। और एपिसोड 136 जिसका नाम है सातोशी एंड गो एम्बार का न्यू जर्नी, जिस एपिसोड से हमें पता लगता है कि इन दोनों की नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ऐसा वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है तो पोकेमोन मास्टर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुका है, तो उसकी जर्नी काफ़ी अलग होने वाली है गो से। इसलिए यहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ इनकी जर्नी अलग हो सकती है और गो की जर्नी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। हमें नहीं दिखाया जाएगा कि गो के साथ क्या हुआ है, लेकिन पोकेमोन जर्नी में इस एपिसोड को डाला है जिससे हमें ये पता लग चुका है कि गो इस टाइम तक मेन है। उसके बाद कौन मेन कैरेक्टर होगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी के लिए दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं, इसलिए इन दोनों को ही साथ में दिखाया गया है कि इन दोनों की जर्नी अलग अलग हो जाएगी। और कई फैंस का मानना है कि ये पार्ले रीजन जाएंगे, और पार्ले रीजन एकदम परफेक्ट रीजन है इन दोनों के लिए। अगर ये दोनों साथ में जाएंगे या अलग अलग जाएंगे तब भी पार्ले रीजन ही बेस्ट है, क्योंकि अब एस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, अब उसे पास्ट के कोई भी ट्रेनर उसे नहीं हरा सकते, यानी कि उसे फ्यूचर की साइड जाना पड़ेगा और फ्यूचर साइड सिर्फ पार्ले रीजन में देखने को मिल सकती है। और वैसे ही गो जिसका पास्ट काफ़ी बेकार रहा है, इसके अलावा उसको म्यू को पकड़ना है, और म्यू काफ़ी पावरफुल पोकेमोन है इस टाइम पे, लेकिन हो सकता है कि पुराने टाइम पे वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जिस टाइम पे गो जाके उसे पकड़ सके। तो ये सिर्फ मेरी थ्योरी है कि ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, आप अपने ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और हो सके तो अपने दोस्तों का शेयर भी करना। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे अभी तक गए नहीं आप, तो अब ये जानना चाहते हैं कि मैं 3 वीडियो क्यों डाल रहा था। यार मेरे घर पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अगल बगल पड़ोसियों में, जिससे मैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मेरा गला ख़राब था जिससे मुझे जब मौका भी मिल रहा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। और फाइनली मेरे एग्ज़ाम आ चुके हैं, जो सिर्फ 2 एग्ज़ाम हैं, क्योंकि मेरी बैक आई थी आपको पता होगा, या फिर इंस्टाग्राम पर जिन लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है उन्हें तो पता ही होगा कि मेरी बैक आ चुकी है BCA BA में, जिस कारण से मुझे दोबारा एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। तो हो सकता है मैं कुछ दिन और वीडियो ना डालूं, लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, तो थैंक यू गाइस वंस अगेन।